नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, फ्लाइट के बारे में भी बात करेंगे, टिकट की प्राइस के बारे में बात करेंगे, कौन लोग जा सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं। और आपको पता है 1 अगस्त से कुवैत की फ़्लाइटें स्टार्ट होने वाली हैं, हो चुकी हैं, आप समझ सकते हैं, गवर्नमेंट ने घोषणा कर चुके हैं। लेकिन उसमें 10 अगस्त तक फिर भी आपको पता है 10 अगस्त तक फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ हम फ्लाइटों की रेट के बारे में, प्राइस के बारे में बात करेंगे। ये नहीं बोलता कि भाई आप टिकट बुक करके आप पहुँच जाओ, इनडायरेक्टली आप किस तरह से पहुँच सकते हो, हम डिटेल से बात करेंगे। 7-8 मिनट का वीडियो हो सकता है, पूरी जानकारी लीजिए ताकि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, आपको पता है पिछले 1 महीने से प्रोसेस चल रहा है कि 1 अगस्त को कुवैत सरकार फ्लाइटें चालू कर देगी, तो नो डाउट चालू हो गई है। जी हाँ, ये समझ सकते हैं। और फ्लाइट का अगर किराए की बात करें, अब आप ये कमेंट मत करना कि दुबई इंडिया से तो फ्लाइटें चालू ही नहीं हुई, किराए की बात क्यों कर रहे हो। मैं एक आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूँ कि अभी जो ट्रेवल एजेंट हैं, जो टिकटें बुक करते हैं, ये क्या बताते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है टिकट के बारे में। जी हाँ भाई, टिकट के बारे में मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा मिस्र और इंडिया के लोग फ्लाइटों के लिए तैयार बैठे, एकदम ऐसे बैठे हैं कि जैसे फ्लाइट ओपन हो एकदम झपट पड़ेंगे, टिकटें ले लेंगे। इस तरह की कंडीशन मिस्र में हो रही है या फिर इंडिया में हो रही है। जी हाँ, मिस्र से अगर कुवैत कोई आता है तो भाई 300 KD का उनका खर्चा है। जी आप 300 KD का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग 40-45 हज़ार के करीब पैसा बनता है मिस्र से कुवैत आने के लिए, फ्लाइट की मैं टिकट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वही अगर वो लोग बता दूँ 20 घंटे का ट्रांजिट, आपको पता है 20-20 घंटे स्टॉप होना पड़ रहा है उनको, बीच बीच में रुकना पड़ रहा है। अगर वो डायरेक्ट 10 घंटे में आना चाहते हैं तो यही टिकट उनका पता है कितने में पड़ती है, फिर 800 KD में टिकट आ रही है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं 800 KD का कितना पैसा बनता है, लगभग 2 लाख रुपये के करीब टिकट का भाव चल रहा है ऑनलाइन जो शो कर रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उनमें भी वही लोग जा सकते हैं जो वैलिड वीज़ा वाले हैं। जी हाँ, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए वो नहीं जा सकते। हालांकि 1 अगस्त तक का आपको पता है सरकार ने 31 अगस्त तक का जो वीज़ा थे उनको एक्सटेंड कर दिया है, तो जो इनके वीज़ा है वो तो सब लोग जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं। भारत से अगर कुवैत की फ़्लाइट की बात करें, ट्रांजिट का मतलब 13-14 घंटे किसी दूसरे देश में स्टॉप होके फिर वो जाते हैं, यानी वेटिंग के वेट करके, तो उसकी टिकट की बता दूं 250 KD यानी लगभग 60,000-62,000 के बीच में ये टिकट आ रही है। जी हाँ, लोग जो अगर 13 घंटे का वेट नहीं करना चाहते कि भाई नहीं हमें तो डायरेक्ट पहुँचना है, 13 घंटे हम दूसरे देश में वेट नहीं कर सकते, उनकी टिकट का प्राइस है लगभग 500 KD कुवैती दिनार। जी हाँ, तो 500 KD को अगर 40-45 के भाव चल रहा है तो लगभग 1,20,000 की टिकट आ रही है इंडिया से कुवैत जाने के लिए नॉन स्टॉप। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं भाई कितनी महंगी टिकट है। जो टिकट कुवैत की 18-20-22 हज़ार में आती थी वो आज 5-6 गुना हो रही है, फिर भी मिल कहाँ रही है, ये तो मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बाकी टिकट मिल नहीं रही है, समझ गए बात को। अब हम बात कर लेते हैं भाई, देखिए कुवैत कौन लोग जा सकते हैं, डिटेल से हम बात करेंगे। कुवैत में वही लोग जा सकते हैं जिनके पास वैलिड अकामा है। आपको पता होगा वैलिड आपके पास PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, दोनों डोज लगी हुई है। जी हाँ, 16 साल से कम और जो गर्भवती महिलाएं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय से स्पेशल आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो डोज नहीं लगवा सकते ना कोरोना का, गर्भवती महिला नहीं लगा सकती एंड जो बच्चे हैं वो भी नहीं लगवा सकते, तो उनके लिए विदेश मंत्रालय से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि वो यात्रा करने के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, समझ गए। वहाँ जाने के बाद में उनका 7 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा और फिर वहाँ पहुँचने के 3 दिन के बाद में फिर उसका PCR टेस्ट होगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पे उसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा कि 7 दिन रहना या फिर आगे उसको और भी होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहली बात हुई थी कि 1 अगस्त से फ्लाइटें चलूँ, हालांकि उसमें इंडिया का नाम तो नहीं आया था भाई, इंडिया का नाम तो पहले भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ की एक अपडेट निकल के आ रहा है कि कुवैत सरकार ने अपडेट 4 देशों पर बैन 10 अगस्त तक बढ़ा दिया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश। जी हाँ, ये जो 4-5 कंट्री हैं इन कंट्रियों पे 10 अगस्त तक बैन बढ़ा दिया गया है, यहाँ के लोग डायरेक्ट आप कुवैत नहीं जा सकते। जी हाँ, हालांकि देखिए ये जो फ्लाइटों का सिस्टम है ना, इतना घटिया हो रहा है कि लगभग 1.5 साल हो चुका है भाई, अभी अगले मार्च में 1.5 साल हो गया, मार्च तक अगर आते आते सिस्टम देखता है तो 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। जी हाँ, घरेलू कामगारों की इतनी भयंकर तंगी चल रही है वहाँ पे, क्योंकि यार 1.5 साल के दौरान जो लोग पहले थे
जो पहले पहले फंसे हुए थे मार्च 2020 के बाद में वो बेचारे रह गए, उसके बाद में बहुत सारे लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए, नए वीज़ा नहीं निकले, फिर डेढ़ साल के दौरान बहुत सारी दुनिया भी तो छुट्टी आई है ना कुवैत से, तो वो वापस फिर नहीं जा सके, आ तो गए लेकिन वापस नहीं जा सके, फ्लाइटें बंद थी। इस वजह से कुवैत में घरेलू कामगारों की भयंकर तरीके से तंगी आ रही है, इसलिए वो लोग पैसा भी जो काम यार 80-90 दिनार में महीने में काम कर रहे थे उनको 400-350 दिराम में भी दिनार में भी वो काम करने के लिए कि भाई आ जाओ हम देने के लिए तैयार है, ये स्थिति चल रही है। जी हाँ, हम बात करेंगे भी कुवैत आप जा कैसे सकते हैं। देखिए कतर सरकार ने हालांकि बहुत सारे मालदीव वगैरह या फिर कतर और भी 3-4 कंट्री और हैं, अर्मेनिया वगैरह, इनसे होके आप कुवैत जा सकते हैं। कतर से आपको पता है 12 जुलाई को कतर ने इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दिए थे कुछ कंडीशन के साथ में कि इस तरह से आप आते हो तो हमारे देश में आपका स्वागत है, बाकी आप आगे देश में जा सकते हैं। तो कोई कतर के लिए भी भाई बहुत सारे स्ट्रिक्ट नियम है। सबसे पहले आपको कतर का जो एतराज़ ऐप है उसको डाउनलोड करना होता है, वहाँ पर आपका टिकट का RT-PCR 72 घंटे पहले का या फिर कोरोना का टेस्ट या फिर जो आपका दोनों डोज लगी उसका सर्टिफिकेट, ये आपके साथ में होना ज़रूरी है। और एक कंडीशन भाई और कर दी है, अगर आप कतर होके अदर कंट्री में जाते हैं तो कम से कम आपके पास 5,000 कतरी रियाल आपके जेब में होना चाहिए। अब रियाल का मतलब 5,000 का, आपके पास डेबिट कार्ड हो सकता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो सकता है, आपके पास डॉलर हो सकते हैं, किसी भी यानी शाम दाम दंड भेद कैसा भी हो आपके पास पैदा पैसा होना चाहिए, ताकि आप हमारे देश में रुकोगे 14 दिन 15 दिन आपको क्वारंटाइन करके ही, तो फिर आप आगे जाओगे, डायरेक्ट तो नहीं जाओगे ना, तो उस दौरान आपके पास पैसा तो होना चाहिए ना खर्च करने के लिए। ये एक फंडा है भाई विदेशों का, मैं बता दूं जो देशों ने थर्ड पार्टी कंट्री के लिए फ्लाइटें ओपन कर रखी हैं उनको ये माइंड में घुस गई कि अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि सब लोगों काफ़ी सारे देशों ने फ्लाइटें बैन कर रखी हैं खासतौर से गल्फ देशों में, तो कतर एक ऑप्शन बनता है। तो कतर में आप जाओगे तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कतर आपसे वीज़ा का पैसा तो लेता नहीं है, ऑन अराइवल है, तो और कोई भी तो पैसे आपको वहाँ पे, देखिए हर इंसान चाहता है कि मैं पैसा कमाऊँ, आप भी तो जा रहे हो पैसा कमाने के चक्कर में जा रहे हो, गवर्नमेंट भी चाहती है, सब चाहते हैं कि पैसा कमाया जाए, तो आपके पास 5,000 कतरी रियाल जेब में होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं था, इस वजह से बता दूं लगभग 40-50 लोगों को कतर से वापस निकाल दिया गया है। जी हां, क्योंकि उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट थे, वैलिड वीज़ा था, सब कुछ था, लेकिन उनका जब उनसे पूछा गया हाउ मच मनी, पैसा कितना आपके पास, तो किसी ने बोला 200 रियाल, किसी ने बोला 300 रियाल, 500 रियाल, इस तरह से कंडीशन उनके साथ हो गई। और रियाल कितनी चाहिए, 5,000 रियाल एवरेज, यानी लाख रुपए आपकी जेब में होना चाहिए, लाख डेढ़ लाख रुपए आपका वो खर्चा होना चाहिए। आप समझ लो भाई कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप कुवैत पहुंचोगे। और उसमें भी फिर रिस्क हो सकता है, आप कोरोना पॉजिटिव आ सकते हो, आप कतर में आपकी दिक्कत आ सकती है, आपको कुवैत पहुंचने में वहां पे दिक्कत आ सकती है वहां से। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको ये बताना ज़रूरी था, वीडियो में कुछ करप्शन हो गया था, इस वजह से वॉइस नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं बैक से साउंड दे रहा हूँ। बाकी आप समझ गए होंगे भाई पूरी स्टोरी मैंने आपके कुवैत के बारे में बता दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई रिस्क लेना चाहते हैं तो कतर जाए, कतर से फिर आप आगे कंट्री जा सकते हैं। बाकी मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि एक बार थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि उम्मीद है अगस्त में अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा, ख़ास तौर से बता दूँ गल्फ देशों के बारे में। जी हाँ, क्योंकि हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला है, 10 अगस्त तो वैसे सरकार ने दिया है, बाकी हम उम्मीद करेंगे 10 अगस्त तक अच्छा रिजल्ट आ जाए तो आप डायरेक्ट ही इंडिया से कुवैत जाने की सोचें, वरना फिर आपका इतना खर्चा होने के बावजूद भी रिस्क रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में अच्छी।